Hi friends, so let's start with chapter number 9. This is a very small chapter and a very simple one. So in this chapter, we are going to discuss three sections as you can see on the screen. The first section that we are going to talk about is 49, which so basically section 49 is all about the payment of taxes, interest, penalties and other amounts. तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर ऑल द जी एस टी जो भी हमारे अलग अलग जी एस टी है उसके पेमेंट कैसे करेंगे हम, इंटरेस्ट या पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे डालेंगे एंड एवरीथिंग. देन वी आर गोना टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 50 व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स. सो बाय चांस आपने अगर जी एस टी टाइम पे नहीं भरा तो आपको उसके ऊपर ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो इन दिस सेक्शन वी लर्न के बेसिकली आपको कौन से रेट्स पे इंटरेस्ट पेबल रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर केस एंड इवन यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. देन सेक्शन नंबर 53 में हम ये डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली सेक्शन नंबर 53 टॉक्स ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो इन केस यू नो इफ देर इज सम मर्जर डी मर्जर या फिर ऐसा सम अदर ट्रांजेक्शन, तो इन दोज केसेस आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट. इवन देट वील डिस्कस क्यू केसेस के सपोज आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे जहां पे यू नो यू डिडंट यू कुड नॉट टेक आईटीसी एंड देन यू बिकेम अ नॉर्मल टैक्स पेयर या वाइस वर्सा सिचुएशन. सो वील बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 49. ठीक है, सेक्शन 49 हैज टोटल 9 सब क्लॉजेस इन इट. सो वील बी स्टडिंग यू नो ईच एंड एवरी सब क्लॉजेस. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. एज यू कैन सी इट्स सेक्शन 49 सब क्लॉज 1 एंड 3 वील बी डिस्कसिंग एंड वील बी ऑल्सो रीडिंग दिस अलॉन्ग विथ रूल नंबर 87 ऑफ द सी जी एस टी रूल्स. ठीक है, उसके साथ हम पढ़ेंगे. नाउ बिफोर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू के यू नो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट यू नो कि कितने लेजर्स रहते हैं एंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो एज यू आर अवेयर दैट यू नो जी एस टी हैज अ कॉमन पोर्टल, तो पहले तो आपको जाके लॉग इन करना है. वंस यू लॉग इन देयर यू कैन फाइंड दीज थ्री लेजर्स. द फर्स्ट वन दैट यू विल सी इज द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, देन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड द थर्ड यू विल बी एबल टू सी इज योर लाइबिलिटी लेजर, दैट इज यू नो ड्यूरिंग योर सेट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग. ठीक है, लेकिन आपको कैश और इलेक्ट्रॉनिक लेजर तो हमेशा देखने को मिलेगा एंड बिफोर यू फाइल योर रिटर्न इट इज योर ड्यूटी टू चेक कि आपके कैश लेजर में कितना है और क्रेडिट लेजर में कितना है. नाउ एज द नेम सजेस्ट, कैश लेजर में वो सारी एंट्रीज रहेंगी जिसका आपने अपने पॉकेट से पे किया, जो भी आपने चलान वाया इलेक्ट्रॉनिक चलान जो भी आपने पेमेंट्स किया वो सारा जाके बैठ जाएगा कैश लेजर में. ठीक है, एंड सिमिलरली आपका जो आईटीसी है, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला है बेसिकली, वो सब जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाएगा. तो आपके पास ये दोनों लेजर है, आपको ये देखना है कि दोनों लेजर में कितना अमाउंट है, आपका कितना आउटपुट लायबिलिटी है. You have to set off your output liability with both these electronic ledger and set off ka to humne already you know pehle discuss kar diya chapters mein and once this set off is done you will get a liability ya to fir you will have a credit which can be carried away, carried on in the future tax period. theek hai, abhi in basically abhi now coming back to our electronic cash ledger, we'll be discussing all the three ledgers in just a bit. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट्स नथिंग बट इट्स द डिपॉजिट्स और पेमेंट्स मेड बाय अ टैक्स पेयर. ठीक है, एंड इट इज मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी इन पोर्टल जैसे हमने डिस्कस किया है. बेसिकली जितना भी आपने इलेक्ट्रॉनिक चलान से पेमेंट किया आपको सिर्फ वो ही याद रखना है, दैट विल गो इन द कैश लेजर. नाउ लेट्स डिस्कस के वॉट आर द वेरियस मोड्स ऑफ यू नो डिपॉजिटिंग योर मनी इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ठीक है, सी आई लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट भले आप कैश में भी भले आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, द चलान हैज टू कंपल्सरीली भी जनरेटेड ऑनलाइन. ठीक है, आपको ऑनलाइन ही जनरेट करना है. तो उसमें आपको व्हेन यू आर जनरेटिंग द चलान उसमें ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि ई पेमेंट करना है, कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, कि एनईएफटी जो भी आप या यू नो आपको बैंक में जाके ओवर द काउंटर करना है. तो ऑनलाइन में तो आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर कि एक तो इंटरनेट है और एक डेबिट क्रेडिट कार्ड है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर मोड यू वांट टू यू कैन डू इट.
and it is very convenient to do it online. Offline also there is an option. NEFT is very simple, RTG is very simple. Fir over the counter bhi aap de sakte. I like to mention one point over here, that over the counter payment agar aap karte hai na, to there is a limit of 10,000. Lekin agar aap internet banking ya credit debit ya NEFT, RTGS kuch bhi payment karte, there is no limit for it. Okay, because technically ye sara online hi ho jata hai. NEFT and RTGS ka obviously aap form bhar ke bhi over the counter kar sakte hai. But there is a limit of 10,000 rupees per challan per tax period. Abhi tax period kyun likha hai? Because for different taxpayers, different tax period rehte hai. Supposingly, aap normal taxpayer hai, jiska turnover is say 5 crore rupees, to aapko monthly bharna hai. Theek hai, that is your monthly tax period. Agar aap composite supply, if you are a composition supplier, you have registered under composition levy scheme, to aapko quarterly bharna hai. So, depending on you, your tax period will be decided. Okay? So it can be made, jab aap over the counter payment kar rahe, you can do it in cash or check, or you can even do it by a demand draft. Okay? Jo bhi aapko suit hota hai. Now there is a important point, so let's discuss that also. Because anyways, the fourth point is any other mode as prescribed. So that is like आगे चल के अगर और कोई मोड आता है तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे. तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस इफ द डिपॉजिट इज मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर. तो बेसिकली ऑल द जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर वो ऐसा कुछ डिपॉजिट करते हैं, उनको ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन दो ही चीज के लिए ये लिमिट हटाई गई है. वो दो चीज कौन सी है? द फर्स्ट वन इज रिकवरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगर जो ये जीएसटी डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज आइदर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज. It also includes the attachment. अगर suppose आपको कुछ tax pay करना है government को, आप pay नहीं करते, the tax officers have the right to attach your bank accounts. Okay, तो we are talking about that sort of attachment. Then even आपको जो भी पैसे मिलते हैं from the sale proceeds of movable or immovable property, but this is only for the government officers. Please keep that in mind. The second is to collect the amount by way of cash, check, demand draft during any investigation, enforcement activity or any ad hoc deposit. ठीक है, तो अगर कुछ सर्च चल रहा है या कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अगर कुछ कलेक्शन आया, तो ये सब अलाउड है. फिर वो 10,000 का लिमिट नहीं है. ओके, बट ओनली इन दीज टू केसेस. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, अभी आप जब पेमेंट बाय चलान करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपल्सरी अभी इलेक्ट्रॉनिक चलान. पहले कैसे होता था? First, you could physically, आप चलान भर के, you know, you could deposit over the counter and all. लेकिन नहीं, अभी you have to online ही आपको generate करना पड़ता है. ठीक है, so there are few words जो आपको चलान में दिखेंगे, तो उसका मतलब समझते हैं क्या होता है. The first thing that you'll see in the चलान is C PIN. Okay, so C PIN stands for Common Portal Identification Number. It is created for every चलान successfully generated by the taxpayer. Okay, then it is a 14 digit unique number identifying the challan, and once you generate this CPIN, common portal identification number, it is valid for 15 days. Okay, matlab ye challan 15 din tak valid hai, uske pehle aapko pay karke you have to complete the procedure. Okay, the next is SIN number. Abhi ye SIN number hai, this is, इसका फुल फॉर्म इज चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट इज जनरेटेड बाय बैंक्स वंस द पेमेंट इज डन इन लू ऑफ द चलान दैट वी हैव जनरेटेड. ठीक है, नाउ दिस इज 17 डिजिट. ठीक है, तो पहले तो जो सी पेन है वो 14 डिजिट्स है, राइट, प्लस जो 3 डिजिट्स है वो बैंक का कोड है, इसलिए इट्स अ 17 डिजिट नंबर. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. 14 डिजिट्स इज द सी पेन एंड यू एड 3. ओके, वंस यू मेक द पेमेंट, उसमें 3 डिजिट बैंक का ऐड हो जाता है एंड यू गेट अ सिन नंबर. सो दैट इज बेसिकली द प्रूफ दैट यू हैव मेड द पेमेंट. ठीक है, तो वो चलान नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट ओवर हियर इज दैट द सिन नंबर इज ऑब्वियसली जनरेटेड बाय एन ऑथराइज्ड बैंक
और दी आरबीआई, आरबीआई बिकॉज एनईएफटी आरटीजीएस का आरबीआई देखता है, ठीक है। तो इसका ये प्रूफ होता है कि एक्चुअली पेमेंट आपने किया है एंड इट हैज बीन क्रेडिटेड टू द प्रॉपर अकाउंट, ठीक है। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज बी आर एन, ओके, सो दैट इज बैंक रेफरेंस नंबर, इट इज द ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर द पेमेंट अगेंस्ट अ चालान, ठीक है, सिंपल है वो। नेक्स्ट इज ई एफ पी बी, ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर एक बैंक को एक पर्टिकुलर ब्रांच को डिसाइड करना पड़ता है कि ये मेरा फोकल इलेक्ट्रॉनिकल फोकल पॉइंट ब्रांच है, मतलब एक ही आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड फिर वो जो सिलेक्टेड ब्रांच है उसको गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट पेमेंट्स है उसके अलग अलग अकाउंट्स ऑब्वियसली यू नो दे हैव टू क्रिएट, एंड द वेरियस टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड हैव टू गो इन द प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीन बाय दैट। एंड जैसे मैंने आपको बोला है एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई विल एक्ट एज द इलेक्ट्रॉनिकल फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट, देर इज वन क्वेश्चन ओवर हियर, आर मैनुअल चालान्स एप्लीकेबल एज अलाउड अर्लियर इन वैट रेजिमेन? नहीं, मैंने आपको बताया इट्स नॉट एप्लीकेबल, इट इज कंपल्सरी टू जनरेट चालान्स ऑनलाइन ऑन द जीएसटी एंड पोर्ट, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज ओवर हियर इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू बी मेड ऑन द जीएसटी एंड रेट? एक ही चालान है, जितने भी आपको टैक्सेस पे करना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वॉट एवर इट इज, देर इज अ वेरी नाइस फॉर्मेट गिवन। इट हैज समथिंग कॉल एज मेजर एंड माइनर हेड्स, वी शुड बी डिस्कसिंग शॉर्टली। तो एक ही चालान है, उस पर सारा आ जाता है, भले आप कोई भी टैक्सेस पे करो, सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू जी एस टी, एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर, इवन एनी इंटरेस्ट, लेट पेमेंट और एनी अदर लेट पेमेंट फीस है, जो भी हो गया, एवरीथिंग देयर इज, सबके लिए एक ही चालान है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द चालान, ठीक है। द फर्स्ट इज, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ई चालान इज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज, बिफोर दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट थ्रू व्हिच एवर ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दैट यू चूज, ठीक है। एंड द कमीशन, सपोज इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट से थ्रू अ क्रेडिट और डेबिट बैंक, तो फिर यू नो देयर मे बी अ चार्ज ऑफ यू नो अ कमीशन और यू नो क्या बोलते हैं कन्वीनियंस फीस बेसिकली चार्ज्ड, तो वो जो टैक्स द पर्सन हु इज मेकिंग द टैक्स पेमेंट हैज टू बेयर दैट पर्टिकुलर कमीशन और वट एवर द नेम इट इज कॉल्ड। फिर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करना है तो उनका जो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उस वो डाल के वो मतलब उसमें लॉग इन करके दे कैन जनरेट द ई चालान एंड मेक द पेमेंट, ठीक है। देन वंस यू मेक अ एनईएफटी और आरटीजीएस पेमेंट, देयर इज अ मैंडेट फॉर्म। अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तो वो अलग चीज है, बट अगर आप ओवर द काउंटर कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस, तो वंस योर पेमेंट इज बीन डन, देयर इज अ मैंडेट फॉर्म व्हिच हैज टू बी submitted in the bank, and the mandate form validity is 15 days obviously, because 15 days ke pehle aapko wo khatam karna hai. Then on successful credit of amount in the concerned state or central government account maintained in the authorized bank, a SIN number will be generated by the collecting bank which will be indicated in the challan. Ye bhi humne discuss kar liya. Fir the deposit made by one of the modes prescribed manner will be credited to electronic cash reader of the, मतलब एक बार आपने deposit payment कर दिया है, फिर जो आपने obviously जो आपने payment किया है that will be reflected in your electronic cash ledger. Then on receipt of the SIN from the collecting bank, the said amount is credited to the electronic cash ledger of the person. Obviously once the payment has been processed और आपको SIN number मिल गया, उसके बाद the bank the SIN numbers, obviously you get it from the collecting bank, these amount will be again credited to your cash ledger on the behalf of the deposit it is made on the government portal will generate a receipt bhi aapko, once you make the payment aapko receipt bhi mil jayega, this is what it means. Now in case if the SIN number is not generated even after making the payment, submission of the mandate form or when after generation is not reflected on the government portal, the person making the deposit or the person on whose behalf the deposit
has been made can make a representation in a prescribed form through the common portal or a e-gateway through which the payment has been made. ठीक है, by chance अगर आपने payment कर दिया लेकिन फिर भी आपको SIN नहीं मिला तो there is a prescribed form, वो भर के आप you can raise a complaint and आपका जो आपने payment किया वो this form needs to be filled so that you know जो आपने payment किया वो आपके cash ledger में reflect करे. ठीक है, अभी date of credit into the treasury of the state or the central government is deemed to be the date of deposit, okay, and not the actual date of debit to the amount of the taxable person. Okay, तो जब हम date of credit देखते हैं to the treasury department, तो हम लोग वो date देखेंगे, the date on which the deposit has actually been made to the treasury, okay, and not the actual debit of the amount in the persons. तो कई बार कैसे होता है कि suppose अगर आपने आज payment किया है and you have done payment say after 8 o'clock I think, 8 बजे के बाद अगर आप payment करते हैं तो वो same day तो obviously credit नहीं जाता है, next day treasury के department में जाता है, तो आपको जो आपका जो credit date है फिर वो next day का मिलेगा, right? So you have to keep that also point in mind. Then in case discrepancy is noticed in any of the electronic cash ledger, the registered person shall communicate the same to the officer, obviously through a common in a prescribed form. अगर कुछ भी अगर आपने कुछ payment किया वो reflect नहीं हो रहा है, obviously you are going to tell the proper officer कि match नहीं हो रहा है in the prescribed form which is there available on the common portal. ठीक है, अभी ये manner of utilization of amount reflected in electronic cash ledger, ये हमने already जब हम लोग ITC का chapter कर रहे थे उसमें discuss कर लिया है. So इधर I'm just giving you a brief because already in detail we have discussed this and even जो आगे के थोड़े points हैं वो हमने already discuss कर दिए. So there is subsection 3 of section 49 which tells you के कैसे हमको utilize करना है amount. The first point that it says the amount reflected in the electronic cash ledger may be used for making any payments towards tax, interest, penalty, fees or any other amount in the prescribed form. ठीक है. Now let's understand there is something called as major head and there is something called as minor head. ठीक है. तो major head क्या है जो आपका जो आप IGST, CGST, SGST pay करते हैं. The main tax are the main heads, okay, even the cess. Then each major head is divided into 5 minor heads. Matlab, suppose IGST hai, IGST ke niche 5 minor heads hai. Tax hai, interest hai, penalty hai, fees hai and others hai, okay. So in IGST you can decide what you're paying. You're paying tax, you're paying interest, you're paying penalty or you're paying fees or any other. 5 aapko uske andar hai, okay. So this is how you will see it in your chalan also. Then a registered person can make such cash deposit in recognized bank through the prescribed modes that we've already discussed, online or offline provided. The cash deposits can be used for making payments like you can do all sort of payments, tax liability, interest, penalty, fees and others. Okay. Now we've discussed enough on cash ledger. So now let's discuss electronic ledger. Okay, electronic ledger kya hota hai? Again, इलेक्ट्रॉनिक लेजर थोड़ा बहुत हमने जब हम लोग आईटीसी डिस्कस कर रहे थे तभी हम लोग ने डिस्कस किया. सो लेट्स गो थ्रू इट फटाफट बिकॉज यू गाइस आर अवेयर. तो जैसे मैंने आपको बोला तीन टाइप के लेजर्स है. फर्स्ट वी हैव डिस्कस द कैश लेजर, द सेकंड लेजर इज द क्रेडिट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. तो इसमें बेसिकली क्या है, क्रेडिट लेजर में आपके पास क्या रहेगा, जो भी आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक लेजर, करेक्ट. इसमें एज अ नेम सजेस्ट इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आपका क्रेडिट लेजर है. तो जो भी बंदा सो बेसिकली ये क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्शन कैसे आता है, सो जब भी GSTR 1 भरते हैं आपके आप भी भरते हैं, सिमिलरली योर कस्टमर्स एंड योर सप्लायर्स आल्सो फाइल देयर रिटर्न्स. तो वो जो GSTR 1 में जो फिल करते हैं वो आपके 2A बेसिकली 2A इज योर ITC वो लेजर में आ जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश इलेक्ट्रॉनिक लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेसिकली टेल्स यू कि आपके पास कितना आईटीसी है विच यू कैन अवेल टू डिस्चार्ज योर आउटपुट लाइबिलिटी. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ दिस इज गिवन इन सेक्शन 49
sub clause 2, theek hai? And you have to read it, read it along with the rules which are given, that is 86 and 88A of the CGST rules, theek hai? So first of all, section 49(2) provides that the self-assessed input tax credit by a registered person shall be credited to his electronic ledger or electronic input tax ledger. It is to be maintained in a prescribed form. It's a store ledger that is there on your portal, and you have to fill in manually because it's a self-assessed input tax credit. Okay? Then input tax credit as self-assessed in monthly returns will be reflected in the ITC ledger. The credit in this ledger can be used to make payment of only tax and no other amount, okay, such as interest, penalty or fines. So please keep this point in mind ki jo electronic cash ledger hai, see jo cash ledger mein hai wo aap kisi ke saath bhi use kar sakte ho, right? Lekin jo electronic matlab basically aapka pure ITC hai, you can use it only for tax payments. You cannot use it for interest, penalty and fees. What is the logic behind it? The logic behind it is ki jo aapka ITC hai, that is purely the input tax credit that you've got is purely for your business. ठीक है, तो जो business का आपका output tax liability है सिर्फ उसके साथ ही आप इसको adjust कर सकते हैं. Interest, penalty and fees जो भी levy होता है, it is because of the taxpayer's mistake. ठीक है, तो जो taxpayer का mistake है उसके लिए आप ITC use नहीं कर सकते. Even one more point you have to keep in mind is ये RCM के लिए also you cannot use the credit ledger. ठीक है, RCM compulsory आपको पहले cash में भरना है, मतलब जो हमने कैश लेजर की बात की उसमें भरना है, एंड देन यू कैन अवेल द आईटीसी. मतलब देन एक बार आपने पे कर दिया, देन ऑब्वियसली यू कैन अवेल, यू कैन टेक द सेम इन द इनपुट टैक्स लेजर. मतलब आपका एक बार आपने पे कर दिया, फिर आप उसको आपके जो आउटपुट लाइबिलिटी है उससे माइनस कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली टैक्स and no RCM. ये please आप remember कीजिएगा. The next is the manner of utilization of ITC. So there is a combined reading of section 49A, 49 subclause 5, then 49B, rules 88A, and there is a circular also which has come up. तो सबको हम लोग mind में साथ में read करके there are 4-5 points that I like to discuss. ये already हम लोग ने ITC के chapter में discuss कर लिया, but let's just go through it once again. So I hope you guys remember the playing cards that I had shown you. The joker, joker kya hai? IGST is joker, right? Who's the king? Central, obviously central government is the king, and queen is the state government, right? So I hope you remember the cards. Please keep that in mind and let's go through it. So first kya hai? Jo ITC IGST credit available hai in the credit ledger, pehle aap kiske liye utilize karenge? Obviously first, पहले तो आपको आईजीएसटी आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ करना है, राइट? वंस आईजीएसटी इज सेट ऑफ विद आईजीएसटी, उसके बाद अगर कुछ बचता है देन यू कैन एडजस्ट विद सीजीएसटी एसजीएसटी यूजीएसटी. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट, अगर आपके पास सीजीएसटी है तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हम सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ ही यूज करेंगे. अगर कुछ बचता है तो हम IGST के साथ उसको adjust कर सकते हैं. Please note, the ITC of IGST has to be completely exhausted mandated. तो इसका reason मैंने आपको पहले भी बताया था. The reason it has to be utilized fully is because जो central government का है और जो state, central government का CGST collection central government को जाता है, state government का जो रहता है वो state government को रहता है. जो IGST है actually तो central government को ही जाता है, लेकिन it's what do you say, a reconciliation account or other, you know, an account which is used to square off the CGST and SGST, right? So you have to first utilize the IGST, only then you should proceed with CGST or SGST account. ठीक है? Again, अभी once IGST of ITC of CGST has been fully utilized, then only you can do the step 3, right? The step 3 is जो भी आपका CGST या UGS SGST या UGST है, first you have to obviously utilize it against the SGST and UGST of that particular state, correct? उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, then you can use it to
set of any IGST liability. Okay? So there are 2 points over here which is common for both the electronic ledger and even the cash ledger. So let's see what are those 2 points. The first point is where a person has claimed refund of any amount from the electronic, cash or credit ledger, the said amount will be debited to the electronic, cash or credit ledger. Correct. जब भी आप कोई refund का claim करते हैं तो जो account में आपने claim किया है वही account में वो reflect होगा. Correct. And दोनों में से कोई भी अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है. सेकंड, इफ द रिफंड सो क्लेम इज रिजेक्टेड आइदर फुल्ली और पार्टली, द अमाउंट डेबिटेड अर्लियर टू द एक्सटेंड ऑफ रिजेक्शन शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर मेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. तो जो भी ऑर्डर पास करते हैं, इफ देयर इज सम डिस्प्यूट रिलेटिंग टू योर रिफंड एंड अगर प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि नहीं, अगर आपको 100 रुपीज का रिफंड मिलने वाला था तो आपको 100 इज नॉट करेक्ट, यू शुड जस्ट गेट से 60, तो जो भी बैलेंस अमाउंट है इट विल बी डेबिटेड टू जितना भी रिजेक्ट किया है प्रॉपर ऑफिसर ने, इट शैल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एज द केस इज टू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट ले जो दोनों में से कोई. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिफंड. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इज नथिंग बट क्या है, जो भी आपका पेमेंट करना है और कितना आपके पास कैश और क्रेडिट में अवेलेबल है वो सब माइनस करके जितना आपका बचा है, दैट इज द लाइबिलिटी ले जो. राइट, वेरी सिंपल. ओके, नाउ दिस इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया है, इट्स गिवन इन सेक्शन नंबर 49 सब क्लॉज ए, सॉरी 7, 8 and 9, एंड यू हैव टू रीड दिस विद रूल नंबर 85 ऑफ द ऑब्वियसली सीजीएसटी एक्ट. सो द सब सेक्शन लाइक सेक्शन 49(7) सब क्लॉज 7 टॉक्स अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ लेजर विच मैंने जो मैंने आपको बताया. So electronic. So next point is the term electronic cash ledger and electronic credit ledger has been mentioned in section 2. Lekin the definition is very simple, so I've not put it up. It is what is it defined as? Electronic cash ledger is a cash ledger which is as per section 49(1) जो हमने डिस्कस किया, एंड क्रेडिट लेजर इज एज पर सेक्शन 49 सब क्लॉज 2. ठीक है, ऐसा डेफिनेशन इज नॉट गिवन फॉर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर अंडर द एक्ट. सो इट इज अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग. ठीक है, अभी लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज के कौन से ऑर्डर में हम लोग फॉलो करेंगे. सो दिस इज मेंशन इन सेक्शन 8. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सी द सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम कि पहले आप क्या देखेंगे वेन एवर यू आर सेटिंग ऑफ द लाइबिलिटी कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का कुछ बाकी है. अगर बाकी है तो पहले आप वो कंसिडर करेंगे. अगर वो सब क्लियर हो गया देन यू विल कंसिडर कि करंट टैक्स पीरियड में अगर कुछ लाइबिलिटी है तो वो. एंड द थर्ड स्टेप विल बी वंस ओनली, थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली ओनली आफ्टर यू कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप यू विल हैव टू सी कि एनी अदर ड्यूज इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 and 74. ओके, सो सेक्शन सॉरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय सेल्फ असेस टैक्स. को ऑब्वियसली यू नो के अपन खुद जो असेस करते हैं टैक्स, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ असेस टैक्स. एंड अदर ड्यूज में क्या आता है, अदर ड्यूज में आता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट. ठीक है, दैट इज व्हाट कम्स. नाउ ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. So basically, section 73 or section 74 में there is a demand का notice which comes up, which we'll be studying at the final level. अभी आपके portion में नहीं है, so not getting too much into detail. ठीक है, so this was very simple, the way you're supposed to
discharge the liability. ठीक है. Now this is an important point. Presumption that indices of tax is passed on. Okay. So section 49 का sub clause 9 talks about this presumption that the incidence of tax has been passed on. Okay. तो basically इसका मतलब क्या रहता है कि अगर आपने GST पे किया है तो जो भी GST आपने पे किया है भले वो स्टेट हो गया सेंट्रल हो गया या IGST हो गया इट इज अज्यूम दैट द बेनिफिट ऑफ द सेम हैज बीन पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट. ठीक है. इसका बहुत ही सिंपल मतलब है. सो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑब्वियसली इट यू नो इट इज प्रोवाइडेड द सेट इज अप्रूव मतलब अगर आपने गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया तो ही ये रेसिपी ऑब्वियसली देन ओनली द टैक्स इज बीइंग पास्ड. सो दैट इज वन थिंग बट द मेन मोटिव इज कि जो भी आप टैक्स पे कर रहे इट इज प्रेजम्प्टेड इट इज प्रेज्यूम्ड कि जो भी आपको आपने जो टैक्स पे किया उसका बेनिफिट हैज बीन पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट. नाउ चैप्टर 9 ऑफ द CGST रूल्स प्रोवाइड्स अ फ्यू एग्जाम्पल्स यू नो मतलब दो ही है कि डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्या बेसिकली वॉट यू कैन डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर एंड सो बेसिकली देर आर 4 पॉइंट्स गिवन हियर कि आप क्या क्या डेबिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जितना भी आपको टैक्स इंटरेस्ट लेट फी और एनी अदर अमाउंट आपको रिटर्न के हिसाब से फाइल करना है वो सब आप डेबिट कर सकते हैं. Then all the amounts payable towards obviously again tax penalty and any other amount determined in the proceedings by the assessing officer. मतलब अगर आपका कुछ scrutiny हुआ और कुछ demand raise हुआ वो भी सब you can pay it. Then what else can you debit? Any amount of tax or interest that is payable. And the last is any interest amount that may occur from time to time. ठीक है. तो ये हमने बात कर लिया कि electronic ledger में आप क्या क्या debit कर सकते हैं. Similarly let's have a look at the things that you can debit to the electronic cash or credit ledger. ठीक है. So basically जो भी आप payment करते हो liabilities as per section 49 वो सब आप debit कर सकते हो. Okay. Now only in cash ledger additional point क्या है. Payment of TDS deducted under section 51 or TCS deducted by a commerce operator. Under section 52 amount payable under reverse charge obviously because reverse charge ka if you remember I told you it has to go in the cash ledger it cannot go in the credit ledger. Theek hai. And obviously any amount penalty anything so this is very simple ki humne already discuss kar diya hai. Now how do the new payment systems benefit the taxpayer and the commercial tax department. Theek hai. So let's just see what is the benefit that the taxpayer and the government has received by implementing the system. The first is very important कि आपको कोई queue में खड़े नहीं रहना है. आप you can make payment 24/7. So that is point number one. Second important point is कि जैसे ही आपने payment किया आपको तुरंत ही उसका बहुत फटाफट generate हो जाता है जो हमने discuss किया sin number फटाफट हो जाता है एकदम. फिर द टैक्स कंसल्टेंट कैन ऑल्सो मेक पेमेंट्स ऑन योर बिहाफ. ओके दे कैन ऑल्सो मेक द पेमेंट्स. देन यू हैव ओनली वन चलान फॉर ऑल द पेमेंट्स एंड देर इज अ सिंगल चलान. आपको तीन चार कॉपी या ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है चलान की. ठीक है. तो बहुत सेव हो गया. फिर रेवेन्यू जैसे ही आप पेमेंट करते हैं रेवेन्यू वाले को भी मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको भी फटाफट पेमेंट मिल जाता है. सो दैट इज द बेनिफिट. इवन देर इज ऑब्वियसली अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज फटाफट काम हो जाता है एंड everything is there electronically on your cash ledger or your credit ledger and then obviously in your liability ledger also. Another important point which is there is कि अगर आपने कोई भी payment 8 बजे से पहले की तो वो same day पे reflect करता है आपके account. ठीक है. So with this we come to an end to section 49. Now we'll talk about interest on delayed payments which is section 50. So interest under section 50 is payable under 3 circumstances. The first one is there is delay of payment of tax in full or part
within the prescribed time prescribed period, जो भी आपका payment due date है उसके पहले आपने payment नहीं किया, या तो full नहीं किया या part आपका रह गया. फिर second case is if there is undue or excess claim of input tax credit, okay, under section 42 sub clause 10. So section 42 sub clause 10 talks about basically the contribution, the contravention of provision for matching of input tax credit claims by the recipient. ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी excess या undue, मतलब आपको you were not liable but फिर भी आपने वो ITC claim कर दिया, in those cases you need to pay interest. Third circumstances under which you have to pay interest is if you have taken undue or excess reduction in your output tax liability. ठीक है, and similarly you have section number 43 sub clause 10 which talks about this contravention. Now ये तीन circumstances में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको interest pay करना है. Now let's see कि at what rate you are supposed to pay the interest. Okay, so as per the act and you know even the notification that is there, so as per the act and on the recommendation of the GST council, act में लिखा है कि 18% से ज़्यादा payment आपको नहीं करना है. ठीक है, और you know whatever is recommended by the council. And via notification number 13/2017, government has notified that 18% is the interest that you have to pay per annum. Lekin, this 18% is only in the case of the first, agar aapne delay kiya payment. In case aapne undue, jo second or third humne discuss kiya, undue or excess claim kiya ITC ka, ya undue or excess reduction kiya output liability ka, to aapka interest rate 24% ho jayega. Again, this has come in the same notification 13/2017 में ही ये rate भी mention किया है per annum. ठीक है, अभी for the compute, मतलब आप कौन सा period link consider करेंगे to compute this interest calculation. So, तो interest calculate आप कैसे करेंगे? It will be from the date following the due date of the payment. Suppose, for example, आपका due date 20 तारीख है, so 21st of the month will be considered to the actual date of payment. ठीक है, that is the period that is counted. There are few other points relevant for the interest, so just let's have a look. The term tax which is mentioned over here means the tax payable under the act or rules made thereunder. ठीक है, जो भी GST के act या rules में mention किया है वो सारे taxes. Second point is the payment of interest in case of belated payment of tax should be made voluntarily. That is even without a demand. अगर आपको पता चला कि आपने by mistakenly भी कुछ कम pay कर दिया है, तो आपको voluntarily pay करना, आपको notice के लिए wait करने की ज़रूरत नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, because the interest will be calculated till the date you have not made the payment. ठीक है? Then the interest payable under this section shall be debited to the electronic liability register. The liability for the interest can be settled or adjusted with the balance in the electronic cash ledger, but not with the balance in the electronic credit ledger. हमने already discussed किया है कि credit ledger में सिर्फ आप tax का ही deduction कर सकते हैं, nothing else, no interest, no liability, no penalty, किसका भी आप reduction नहीं कर सकते, ठीक है? Now with that we come to an end with the interest ka topic. Now let's move to section number 53 which talks about the transfer of input tax credit. So this topic is very simple. Basically, agar aapne koi ITC, CGST ka ITC use kiya hai for the payment of IGST, CGST you have used to make payment of IGST, then the amount equivalent to the input tax credit has to be transferred by the central government from CGST to IGST account. ठीक है, this is the way it is transferred. Similarly, अगर आपने IGST utilize किया है, IGST आपने use किया है for payment of CGST या फिर UGST, then similarly the amount equivalent to the ITC so transfer has to be transferred from IGST account to CGST or UGST account accordingly. ठीक है,
Now, in case IGST is used for making payment of CGST, ठीक है? Similarly, the amount has to be transferred from the central government from IGST account to the state account of the state of that particular state, ठीक है? So this is very simple. So friends, with this we come to an end of this chapter. Okay, and there is a section 53A which has come up with respect to Finance Act 2. Lekin the date of application of that clause has still not been mentioned. So jaise hi it will be mentioned, I will be adding it to your study material. Theek hai? So for now, that's it. See you in the next chapter.